आज हम बात करेंगे लंबैगो के बारे में, यानी कमर दर्द। कमर दर्द और गर्दन में दर्द, जब गर्दन का दर्द होता है ये हिस्सा होता है, कमर का दर्द यानी जहाँ पर हम बेल्ट लगाते हैं यानी निचला जो हिस्सा होता है वो कमर दर्द कहलाता है। तो कमर दर्द की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ख़ास तौर से ये हमारे गांव में जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, शहरों में भी, और एज में 40 साल के बाद जो थे बड़ी कॉमन समस्या रहती है, मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, और कभी कभी कमर दर्द की वजह से फिर उसको पैरों में दर्द जाने लगता है। तो कमर दर्द जो लंबो सैक्रल हमारी वर्टिब्रा है, लंबर और सैक्रल रीजन में, वहाँ पर जब कंप्रेशन आए, डिस्क का प्रोट्यूजन हो जाए या कभी वहाँ फ्रैक्चर हो जाए या कोई ट्यूमर बन जाए, कई सारे ऐसे कारण होते हैं जो लंबैगो के कारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे मूल रूप से इसका लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या बहुत सारे पेन किलर या अदर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरीज को तो आराम चाहिए। हम मरीज से जरूर इस चीज़ के लिए निवेदन करेंगे कि कमर दर्द हो या कोई भी जोड़ों का दर्द हो, शरीर में लचकपन और लचीलापन बना होना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में स्टिफनेस पड़ने लगती है। इसके लिए किसी भी बीमारी को आने से पहले उसका बचाव जरूरी है, यानी यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमेशा फिट रखते हैं। मैं लोगों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि सूर्य नमस्कार को सीखें, और कम से कम सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप हैं उसको कम से कम 3-4-5 बार दोहराएं, तो उससे कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पैर काफ़ी ठीक रखते हैं। यानी यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, सुबह टहल रहे हैं और अपने शरीर को लगातार एक्टिव रख रहे हैं, तो इतना तेजी से स्टिफनेस नहीं आता और पेशेंट काफ़ी ठीक रहता है। तो यदि इसके बाद या ये आप कर रहे हैं इसके बाद भी दर्द है, तो होम्योपैथी में कोई पेन किलर नहीं है जो दर्द में राहत दे देगी। यहाँ पर लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ हैं, लक्षण के हिसाब से कोई भी दवा सेलेक्ट हो सकती है, पर हम कुछ मूल औषधियों की बात करेंगे जो लंबैगो में बहुत ही प्रभावशाली परिणाम दिखाती हैं। उनमें पहली दवा है कल्किरिया फ्लोर। कल्किरिया फ्लोर एक ऐसी दवा जहाँ पर बड़ा क्रोनिक लंबैगो मिले और पेशेंट थोड़ा सा मोटा हो, थुलथुला हो, जहाँ पर बोला जाए कि पेशेंट की हड्डी बढ़ रही है, हड्डी झड़ रही है ज़्यादातर महिलाओं में, और क्रोनिक लंबैगो हो और चलते चलते हल्का पेशेंट बोले कि मुझको आराम मिल रहा है, वहाँ पर कल्किरिया फ्लोर 3x नियमित रूप से 3-4 महीने सुबह शाम दो दो गोली सेवन करने से पेशेंट को आराम मिलता है। अगली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स कल्किरिया फ्लोर की एक्यूट है, यानी रस्टॉक्स में पहला चीज़ है गर्म से आराम मिलेगा, जब वो लेटेगा तो उसको बेचैनी रहेगी, करमट बदलता रहेगा, बारिश के सीजन में होगा। अगली चीज़ है कभी पेशेंट गिर जाए झटके से, मोच आ जाए, उसके बाद उसको दिक्कत हो, तो रस्टॉक्स 30 का नियमित सुबह शाम 6-6 ड्रॉप सेवन करने से जब तक पेशेंट को आराम न मिले, आराम मिल जाए दवा को बंद कर। होम्योपैथी में बहुत अल्प दवा की जरूरत पड़ती है, तो रस्टॉक्स पेशेंट को दो तो आराम मिलता है। अगली दवा है मैकफास। मैकफास याद रखना दर्द की ही नहीं, होम्योपैथी में किसी भी प्रकार के दर्द की एक सबसे महा औषधि है। यदि दर्द लांसिनेटिंग टाइप का हो, कटने वाला हो, चुभने वाला हो, न्यूरालजिक हो, पैरों में जा रहा हो, कभी दर्द बदल जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए, ऐसी अवस्था में मैकफास 3x की 8 से 10 गोलियाँ गुनगुने पानी में घोल करके उसको आप पिए, सुबह शाम 2 बार, 8 गोली सुबह घोल के पिए, 8 गोली रात को पिए, जब दर्द ज़्यादा हो तो मैकफास 3x अत्यंत प्रभावशाली है, दर्द में काफ़ी आराम पहुंचाती है। अगली दवा है रूटा। रूटा ऐसी दवा है जब आपको तगड़ी मोच आई हो, कभी आप कमर के बल आप गिर गए हो और उसकी वजह से कभी या तो फ्रैक्चर आया हो या लंबी पुरानी चोट रही हो, वहाँ पर रूटा दवा को 3x पोटेंसी में, 3x से ना मिले तो 30 पोटेंसी में सुबह शाम 6-6 बूंद लेने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अगली दवा एंटीमटाट। एंटीमटाट ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है उसके पसीने निकल आते हैं, न वो चल पाता न हिल पाता, ऐसी कंडीशन में एंटीमटाट, झुकने से भी एंटीमटाट में दर्द होगा, एंटीमटाट झुकेगा सांस लेगा तो उसको भारीपन फील होगा, तो एंटीमटाट 30 पोटेंसी की सुबह शाम 6-6 बूंद 3-4 दिन तक लेने के बाद छोड़ दें तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अगली दवा है जिनसेंग। जिनसेंग का मदर टिंचर, जिनसेंग जैसे इंडियन जिनसेंग अश्वगंधा को कहा जाता है, इसे जिनसेंग की जो जिनसेंग है बहुत ही महंगा और बहुत ही
विदेशों में इसकी बड़ी कीमत है, इसको स्पाइन कॉर्ड का टॉनिक कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का टॉनिक कहा जाता है, ये बहुत महंगा मदर टिंचर आता है, तो इसको आप कोशिश करें कि इंडियन जिनसेंग ना लें। हम इसके लिए आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जर्मन का लें, उसमें रेगविक कंपनी का लें। ये जिनसेंग का मदर टिंचर ऐसा है, जब स्पाइन कॉर्ड में या सियाटिका की क्रोनिक लंबेगो प्रॉब्लम है, यानी लोअर बैक बिल्कुल सीवियर दर्द दर्द कर रहा हो, वहां पर जिनसेंग का मदर टिंचर सुबह शाम 10-10 बूंद नियमित रूप से सेवन करने से मरीज को आश्चर्यचकित परिणाम दिखाई देते हैं। मतलब मैं जितनी दवाई बता रहा हूँ उसमें जिनसेंग आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रही है कि लमेंगो में रस्टाक्स है, मैकफास है, मैं केवल हेल्प के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जिनसेंग का मदर टिंचर यदि आप सुबह शाम 10-10 बूंद नियमित रूप से सेवन करते हैं तो अवश्य आपको कमर दर्द की समस्या से काफी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगली दवा है बेलिस्पर में पूरे स्पाइन में पेन होता है, जब पेशेंट को कभी लंबी चोट लग जाए या कहीं एक्सीडेंट के बाद में पेशेंट को दिक्कत हो, होल स्पाइन में पेन हो, तो वहाँ बेलिस्पर का मदर टिंचर सुबह शाम 6-6 ड्रॉप कुछ टाइम तक लेने के आराम मिलते हैं। अगली दवा है बर्बेरिस बल्गेरिस ऐसी दवा जब यूरिक एसिड बढ़े, किडनी में स्टोन हो, हर ज्वाइंट में पेन हो, किडनी के साथ बैक की दिक्कत हो और दर्द बदलता हो, कभी यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से हाथ में आए, यानी गठिया के साथ लंबेगो मिले, वहाँ पर बल्गेरिस का मदर टिंचर या 30 पोटेंसी सुबह शाम 10-10 बूंद तक नियमित रूप से सेवन करें जब तक मरीज को आराम न मिले, तो काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं। अगली दवा है नफेलिनम। ये नफेलिनम जो दवा है, यदि सियाटिक पेन हो पेशेंट को, काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प टाइप के आए, एकदम से क्रूशियल पेन हो, और पेशेंट को जो दिक्कत होगी ज़्यादातर तो लेफ्ट साइड में होगी, तो वहाँ पर आप नफेलिनम दवा का लेफ्ट साइड के सियाटिका में ये दवा काम करती है। अगली दवा है पेशेंट के लिए नक्स भूमिका का जो दर्द होता है सुबह टाइम, जो वो बिस्तर से उठेगा कॉन्स्टिपेशन के साथ मिलेगा, तो वहाँ पर उसको नक्स भूमिका 30 पोटेंसी 2-3 डोज दें, उससे आराम मिलता है। अगली दवा है कलकेरिया खास मतलब हड्डियाँ काफ़ी कमजोर हो जाए, वहाँ पर कलकेरिया फास 3x पेशेंट को दो, उससे आराम मिलता है। अगली दवा है काली कार्ब ज़्यादातर महिलाओं में, और जब थुलथुली हो, ओबेज हो, मोटापा ज़्यादा हो, और तीन चीज़ें विशेष रूप से मिले, बैक एक, वीकनेस और परस्पिरेशन, तो बैक एक, वीकनेस और परस्पिरेशन के साथ में काली कार्ब उसकी बहुत ही मजबूत औषधि है। तो साइलिसिया हड्डियाँ झड़ रही हो, हड्डी में कोई बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही हड्डियाँ झड़ रही हो, वहाँ पर साइलिसिया 6x दवा का सेवन कराएं। अगली दवा एस्कुलसिप, पाइल्स के साथ में पेशेंट को जो है तो लंबेगो की समस्या हो, वहाँ पर एस्कुलसिप दवा का सेवन करें। इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो लंबेगो के काम में आती हैं, पेशेंट को झुकने से दर्द है, पेशेंट को दबाने से दर्द है, पेशेंट को खड़े होने से आराम है, या किस वजह से हो रहा है, या और कोई दूसरी चीज़ की मॉडलिटी के साथ है, वहाँ पर हमारी होम्योपैथिक में दूसरी दवाइयाँ हैं जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती हैं। इसलिए होम्योपैथिक दवा में लंबेगो का बहुत ही सर्दिया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्रभावशील इलाज है। आप होम्योपैथिक चिकित्सा को लंबेगो में अपना करके पूरी तरीके से राहत पा सकते हैं, इसलिए होम्योपैथी अपनाएं और अपने दर्द से पूरी तरीके से छुटकारा पाएं। धन्यवाद।